जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा देसाई एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लॉरिश। सो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। मतलब अशोका एक एम्परर जिन्होंने जो है कि वॉर करना छोड़ दिया, मतलब उन्होंने वॉर युद्ध वगैरह छोड़ दिया था। तो आप सब ने कहीं ना कहीं जो है कि अशोका के बारे में पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। तो देखिए, हम जो भी सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम और एम्पायर, ये दोनों क्या चीज़ होती हैं। देखो, किंगडम क्या है, बेसिकली स्मॉल एंटिटी है। तो जब किंगडम बहुत बड़ी हो जाती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम एम्पायर बोल देते हैं। तो हम उसको एम्पायर वर्ड से रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो किंगडम बेसिकली स्मॉल एंटिटी है, एम्पायर एक बिग एंटिटी है। और जो एम्पायर का जो रूलर होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, जो मेन रूलर होता है उसको हम बोलते हैं एम्परर। क्लियर, ठीक है। तो अशोका एक ग्रेट एम्परर थे। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये लॉयन, थ्री लॉयंस दिख रहे हैं इसमें, ये क्या है, हम सबको पता है, इसे बोलते हैं द लॉयन कैपिटल। क्या बोलते हैं इस फिगर को, लॉयन कैपिटल, द लॉयन कैपिटल। इसमें फोर लॉयंस हैं, एक जो इसके पीछे है, इसी वजह से हमको दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है उसका फेस, ठीक है। तो फोर लॉयंस के फेस हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो द लॉयन कैपिटल है, ये अशोका ने स्टोन पर कार्व करवाई थी, और जो है कि सारनाथ में, देखिए लिखा हुआ है सारनाथ में। सारनाथ प्रीवियसली हमने पढ़ा चैप्टर में पहले ही, जहाँ पे बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे ही इन्होंने बड़े मैसिव स्टोन पे, मैसिव स्टोन है, बड़ा सा स्टोन पिलर है, उसके ऊपर ये रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है द लॉयन कैपिटल जो है कि क्या थी, ये जो अशोका है उनका क्या था, एम्बलम था, ठीक है, मतलब उनकी एम्पायर का एम्बलम था। अब ये क्या है, आज के क्रम में ये क्या है, हमारा नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक, द लॉयन कैपिटल है, नेशनल एम्बलम, ठीक है। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क कि नेशनल एम्बलम, द लॉयन कैपिटल जो कि हमारा नेशनल एम्बलम है, वो कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ के पिलर से लिया गया है, ठीक है ना। चलो, ये बात क्लियर हो गई। आगे हम पढ़ते हैं, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस। उनके मतलब अशोका एक ग्रेट रूलर है, हम सबको पता है ग्रेट रूलर हुआ करते थे, और उनके इंस्ट्रक्शन पे ही बहुत सारे इंस्क्रिप्शन को जो है कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस बनवाए गए, ठीक है, बहुत सारे पिलर्स पे, और जो है कि इवन रॉक सर्फेसेस पे भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस बनवाए गए। अब ये इंस्क्रिप्शन क्या होता है, हमने पहले पढ़ चुका है, इंस्क्रिप्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं, फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग हमने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा था। तो देखिए, कुछ टर्म्स होते हैं जो पूरी बुक में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसी वजह से स्टार्टिंग से चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने नहीं देखा, देन यू कैन गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज़, सो दैट यू कैन रियली नो कि हाँ ये सारे टर्म्स क्या हैं। तो अशोका ने उनके इंस्ट्रक्शन पर इंस्क्रिप्शन बनवाए गए, ठीक है ना। अब बिफ़ोर वी फाइंड आउट कि उन इंस्क्रिप्शंस पे क्या लिखा था, उससे पहले हम ये देखते हैं कि उनकी किंगडम को एम्पायर क्यों कहते हैं, है ना। तो एम्पायर क्यों कहते हैं उनकी किंगडम को, तो द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। बेसिकली अशोका ने जो है कि ये पूरा एम्पायर नहीं बनाया था, ये इनके ग्रैंडफादर ने बनाया था। ग्रैंडफादर कौन उनका, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मोर देन 2300 ईयर्स अगो, आज से 2300 ईयर्स अगो पहले चले जाइए, तब की ये बात हो रही है। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य, या फिर उनको कौटिल्य भी बोलते थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, बहुत ही फेमस बुक है। मैनी ऑफ चाणक्य से आइडियाज वर रिटन डाउन इनटू अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। चलो, मैंशन ही कर दिया इन्होंने। तो चंद्रगुप्त मौर्य, सबने सीरियल देखा होगा, बेसिकली मैंने नहीं देखा लेकिन सीरियल आता था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो उसमें उनके गुरु होते थे कौन, चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कि बहुत बचपन से ही बहुत सशक्त बनाते हैं, रूलर बनने की जो है कि शिक्षा देते हैं, हर तरह से उनको ट्रेन करते हैं। और किसके खिलाफ उनको लड़ाते हैं, नंद वंश के जो शासक हुआ करते थे उस समय, घनानंद। तो फिर चंद्रगुप्त की और घनानंद की जो है कि लड़ाई होती है, एंड चंद्रगुप्त घनानंद को डिफीट कर देते हैं, उसके बाद जो है कि वो अपना पूरा एम्पायर बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टोरी थी कि चंद्रगुप्त घनानंद को डिफीट करते हैं, जिसमें उनकी हेल्प करते हैं उनके टीचर चाणक्य। तो ये बात कब की हो रही है, तो अगर टाइम की हम बात करें, हमें टाइम समझना है, तो हमने ऐसे पढ़ा था कि ज़ीरो, यहाँ से हम ज़ीरो मान रहे हैं, फिर इस ज़ीरो, ये ज़ीरो कब है, जीसस क्राइस्ट का जन्म से हम इसको बेस ईयर मानते हैं, और फिर जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाले जितने ईयर्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, उनको कॉमन एरा बोलते हैं,
और जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले वाले जितने इरा होते हैं उनको बोलते हैं BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, या फिर बोलते हैं BCE बिफोर कॉमन इरा, तो 2300 साल पहले। तो आज हम क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, ठीक है। तो 2020 अब हैं कितने साल पहले जाना है, 2300 साल पहले, तो 2000 साल पहले तो यहाँ ज़ीरो पे ही आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद और कितना, 300 साल और पहले चले जाओ, यानी कि ज़ीरो से यहाँ 300 साल और पहले चले जाओ। इस तरह हम जो है कि ये टाइम पूरा अपना देखते हैं, कि आप देखते होंगे ना कि लिखा रहता है 500 BC 400 BC, तो ये कैसे काउंट होता है, ये इसी तरह काउंट होता है कि आज से जो है कि आज से पीछे जाना शुरू करो, फिर जीरो पे आओ, फिर जितना ईयर बाकी रहे उतना और बैक चले जाओ, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलो इस पेज में हमने इतना देखा, अब नेक्स्ट देखेंगे डायनेस्टी क्या होती है। एक वर्ड होता है डायनेस्टी, तो व्हेन मेंबर्स ऑफ अ सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, मतलब एक ही फैमिली के रूलर जब एक के बाद रूलर बनते जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डायनेस्टी। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले बने, ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार वो बने एम्परर, फिर बिंदुसार का बेटा कौन, अशोका, वो बना एम्परर। तो ये क्या हो गई, एक तरह से डायनेस्टी हो गई, मौर्य डायनेस्टी हो गई, ठीक है, क्योंकि एक के बाद उन्हीं के फैमिली के जो है कि जो प्रिंस होते हैं वही वापस से एम्परर बनते जाते हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं राजतंत्र, दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज़ राजतंत्र, ओके। अब इसके बाद देखते हैं, देवर सेवरल सिटीज इन द, अब अशोका के, अब हम उनके जो है कि राज्य के बारे में देखेंगे, कि देवर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर, अब उनके एम्पायर में बहुत से शहर होते थे, ठीक है। दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, और मतलब कौन कौन से शहर थे, जैसे कि पाटलिपुत्र जो कि उनकी कैपिटल हुआ करती थी, फिर तक्षशिला और उज्जैन, ठीक है ना। तक्ष, अब मैप में देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ तक्षशिला है, एक मिनट, ये तक्षशिला हो गया, इधर ये उज्जैन हो गया, और इधर ये पाटलिपुत्र हो गया, और ये पाटलिपुत्र क्या हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी। तो उनका जो समझ लो जो उनका पूरा एम्पायर था वो इधर तक्षशिला से पूरा लेकर के इधर इधर का एरिया समझ लो, इतना पूरा एम्पायर था, कैन से कि हाँ मतलब काफ़ी सब कॉन्टिनेंट का काफ़ी बड़ा पार्ट था उनके पूरे एम्पायर में, लगभग पूरा इंडिया, पूरा जो है कि सब कॉन्टिनेंट आ ही गया था, तो इतना बड़ा उनका एम्पायर था। तो तक्षशिला क्या था, तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए तक्षशिला, अब ये जो तक्षशिला है ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ हुआ, ये वेस्ट हुआ, तो नॉर्थ वेस्ट का गेटवे है, मतलब अगर किसी को नॉर्थ वेस्ट जाना है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ इधर से, तो वो किधर से होके जाएगा, तक्षशिला से। तो मेनली तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। उसी तरह ये उज्जैन, ये उज्जैन क्या गेटवे है, नॉर्थ से साउथ आने का गेटवे क्या है, उज्जैन है, ठीक है ना, ये बातें हो गई। इसके बाद ये देखिए लिखा हुआ है, फिर मर्चेंट और ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन जो होते थे वो कहाँ रहते थे, वो इन सिटीज़ में रहते थे, इन शहरों में रहते थे, ठीक है। मर्चेंट्स मतलब क्या, मर्चेंट्स वही व्यापारी हो गए, ऑफिशियल्स जो राजा के ऑफिशियल्स होते थे जिनको कि असाइन किया जाता था कि वो टैक्स वगैरह कॉमन पीपल से कलेक्ट करें, और क्राफ्ट पर्सन हो गए, ठीक है। इसके अलावा अदर एरियाज़ में कौन रहता था, मतलब विलेजेस वगैरह में कौन बचे, बेचारे फार्मर्स बचे, हर्डर्स बचे, वो रहते थे, ठीक है। इन सम एरियाज सच है सेंट्रल इंडिया, अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। सेंट्रल इंडिया की बात करें, सेंट्रल इंडिया क्या, हमारा मध्य प्रदेश वगैरह आ गया, इधर बीच में एकदम मध्य प्रदेश वगैरह आ गया, तो वहाँ पे जो है कि फॉरेस्ट ज़्यादा होते थे। आज के टाइम पे भी अगर हम बात करें फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में ही है। तो वहाँ पे जब फॉरेस्ट ज़्यादा है तो लोग क्या करेंगे, हंटिंग करेंगे, फूड गैदर करेंगे, तो वो लोग वो काम करते थे। अब चूंकि इनका एम्पायर मैंने बताया काफ़ी बड़ा था, तो हर एरिया में एक ही लैंग्वेज तो नहीं बोली जाएंगी ना, तो उनके जो है कि लैंग्वेज वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, उनके डिफरेंट डिफरेंट वो मतलब कि फूड कंज्यूम करते थे, हर जगह एक ही जैसा मतलब पूरा रूल नहीं था, अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते थे, तो मतलब बेसिकली उनका रहने वहने का तरीका अलग अलग था। एम्पायर तो एक है लेकिन है तो बहुत पूरा वास्ट है ना, तो हर जगह नहीं हो सकता कि हाँ साउथ में भी एक जैसा हो रहा है, नॉर्थ में भी एक जैसा हो रहा है, ईस्ट में भी एक जैसा हो रहा है, नहीं, अपने अपने हिसाब से चीज़ें थी। अब ये कह रहे हैं हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, अब जो एम्पायर होते हैं
सॉरी वो किंगडम से कैसे डिफरेंट होते हैं। देखो मैंने बताया कि किंगडम जो है कि स्मॉल एंटिटी है और जो एम्पायर है वो लार्ज एंटिटी है। तो एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाई बिग आर्मीज। जैसा मैंने कहा कि जो एम्पायर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उनके जो एम्परर होते हैं, एम्परर कौन हुआ जो एम्पायर को पे रूल कर रहा है, जैसे जो जो है कि जो किंगडम पे रूल कर रहा है वो किंग हुआ, जो एम्पायर पे रूल कर रहा है वो एम्परर हुआ। तो एम्परर को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते थे, क्यों? क्योंकि उनका जो एम्पायर है काफ़ी बड़ा है। अब उस एम्पायर को सेफ रखने के लिए उनको बड़ी आर्मी चाहिए होती थी, बहुत ज़्यादा आर्मी पर्सन चाहिए होते थे, तो उनको रिसोर्स चाहिए ना आर्मी रखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्स। अब ये जो रिसोर्स चाहिए, ये रिसोर्स कहाँ से आएगा? ऊपर से बरसेगा? नहीं, टैक्स के थ्रू। जैसे आज हमारी गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे, हमसे ही लेती है, फिर हम पे खर्च करती है, लेती ज़्यादा है खर्च कम करती है, बेसिकली दिस इज़ द हार्श रियलिटी। चलिए जाने देते हैं और फिर ये देखते हैं कि अब जब उनको रिसोर्स कलेक्ट करना है तो रिसोर्स कहाँ से कलेक्ट करेंगे? टैक्स के थ्रू कलेक्ट करेंगे। अब टैक्स कलेक्ट करने के लिए एम्परर डोर टू डोर तो जाएगा नहीं, पूरे एम्पायर भर में घूमेगा, नहीं, वो कुछ ऑफिशियल्स को कुछ ऑफिशियल्स को रखता है जो है कि सिटीज़ टू सिटीज़, विलेजेस टू विलेजेस जाते हैं और टैक्स कलेक्ट करते हैं। ये हुई बात। अब इसके अलावा बात करते हैं रूलिंग द एम्पायर। As the empire was so large, empire बहुत ही लार्ज था, different parts were ruled differently. अब बहुत बड़ा एम्पायर है तो उस पूरे एम्पायर को एक बंदा नहीं हैंडल कर सकता, ठीक है। तो क्या होता था, द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र के आसपास वाला एरिया होता था वो तो डायरेक्टली कंट्रोल में था एम्परर के, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि दिस मेंट दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, होल्डर्स, क्राफ्टर्स एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरियाज। मतलब कि जो पाटलिपुत्र वाला बेसिकली एरिया था वो एम्परर के कंट्रोल में था, मतलब डायरेक्टली जो वो एम्परर था वहाँ पे वो अपना कंट्रोल करता था, और बाकी जो विलेजेस एंड सिटीज एंड टाउन्स हैं वहाँ पे ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे कि वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करेंगे। अब ऑफिशियल्स जो है कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं या फिर एम्परर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो जो ऑफिशियल्स होते थे उनको पनिश भी करते थे। इसके अलावा ऑफिशियल्स को जो है कि कुछ सैलरी दी जाती थी, ऑब्वियसली वो फ्री में काम तो करेंगे नहीं, ऑफिशियल्स को कुछ सैलरी दी जाती थी। और इसके अलावा जो है कि कुछ स्पाई भी होते थे, जैसे कि जासूस। स्पाई किसे बोलते हैं? जासूस को। जैसे कि कैटरीना एंड सलमान की आई एस एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने स्पाई का रोल प्ले किया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम। सो वो स्पाई होते थे, वो स्पाई किसकी जासूसी करते थे? अब कॉमन मैन की जासूसी करने की तो ज़रूरत है नहीं, तो वो उन ऑफिशियल्स की जासूसी करते थे जो कलेक्ट करते थे टैक्स को, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें चलती थी। और इन सब को कौन जो है कि स्पाई करता था, इन सब पे कौन कंट्रोल करता था, नज़र रखता था? तो वो एम्परर होता था, ठीक है। एम्परर ने ऑफिशियल्स रखे, फिर ऑफिशियल्स की जासूसी के लिए भी स्पाई रखे, मैसेंजर्स रखे जो मतलब दूर दूर तक जाते थे, सारी चीज़ें पता लगाते थे। लेकिन इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक बंदा कंट्रोल कर रहा है। फिर वो किसकी हेल्प ले रहा है? अपने रॉयल फैमिली मेम्बर्स, जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते थे। जैसे एम्परर है तो उसका कोई भाई होगा, उसकी वाइफ होगी, ठीक है, और उसके जो है कि स्पेशल मिनिस्टर्स होंगे, जो सीनियर्स होंगे, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होंगे, जो उसके पापा दादा के समय से चले आ रहे होंगे, तो ये सारे लोग उसकी हेल्प करा करते थे, ठीक है। ये सब इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा देर वर अदर एरियाज और प्रोविंस, और जैसे कि अभी हमने पढ़ा विलेजेस एंड सिटीज़, अब कुछ प्रोविंस भी हुआ करते थे, ठीक है ना। ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला या फिर उज्जैन। और ये जो प्रोविंशियल एरियाज होते थे वो प्रोविंशियल कैपिटल के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, कौन सी प्रोविंशियल कैपिटल्स थी? तक्षशिला या फिर उज्जैन हुआ करती थी, ठीक है ना। अब ये सारे स्टार पॉइंट्स हैं, हमें पता होना चाहिए कौन कैपिटल थी, कौन क्या था, है ना। चलो आगे देखते हैं। ऑल दो देर वॉज सम अमाउंट जस्ट मैंने ऑल दो देर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रॉबली फॉलोड। देखो क्या होता था कि कुछ जो कंट्रोल होता था वो पाटलिपुत्र से भी होता था। इसके अलावा जो रॉयल प्रिंसेस होते थे, जैसे मान लो राजा है, अब राजा के बेटे होंगे ना, फिर वो थोड़े बड़े होंगे, तो इन प्रिंसेस को क्या भेजा जाता था, जो है कि इन प्रिंसेस को भेजा जाता था एक गवर्नर्स के रूप में, ठीक है ना। वो गवर्नर्स के रूप में उस जगह को गवर्न करते थे, देखभाल करते थे, मतलब एक तरह का रूल करते थे वहाँ पे जा करके, ठीक है। लेकिन मान लो वो फला जगह गए हैं,
ठीक है, रहते तो वो पाटलिपुत्र में है ना, पूरी रॉयल फैमिली कहाँ रह रही है, पाटलिपुत्र में रह रही है, वहाँ से पूरा चीज़ें गवर्न हो रही है, वो मेन एरिया है एंड ऑल सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब मान लो वो गए ईस्ट की तरफ, वो गए मान लो साउथ की तरफ, तो साउथ में तो डिफरेंट कस्टम फॉलो हो रहा है ना, डिफरेंट रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता था कि वहाँ के लोकल रूल को जो है कि कहा जाता था कि आप इसे मत फॉलो करो, आप मेरा रूल फॉलो करो, नहीं। क्योंकि अगर ऐसा कहा जाएगा ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा है, एम्पायर बहुत बड़ा है, और हर जगह के लोकल रूल्स अलग होते हैं, उनके अपने अलग ट्रेडिशन होते हैं। अगर सबको एक रूल फॉलो करने के लिए कहेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे, जो है कि अपोज करेंगे इस चीज़ को। अगर अपोज करेंगे तो फिर उनके एम्पायर में क्या होगी, अशांति होगी, उस एम्परर के प्रति लोगों का अविश्वास होगा कि वो हम पे चीज़ें थोप रहा है, हमारे लोकल हमारे जो इतने सालों से चले आ रहे रूल्स एंड कस्टम्स हैं उनको जो है कि हमें फॉलो करने से मना कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी कि मतलब ये चीज़ें ध्यान रखनी कि लोकल कस्टम और रूल्स को फॉलो करने की उनको परमिशन थी। बेसिकली इसका मतलब ये नहीं कि देवर सो काइंड हार्टेड, ऐसा नहीं है। इसके पीछे पॉलिटिक्स होती है ना, कि अगर हम नहीं करने दिए तो भाई हर जगह पे विद्रोह होना शुरू हो जाएगा पूरे एम्पायर में, और हर जगह से थोड़ा 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 विद्रोह हो रहा है, तो मतलब कि एम्पायर ख़त्म, एम्परर ख़त्म है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं एम्पायर को, एम्परर को। चलो आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दी सेंटर्स, हेयर द मौर्यास ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट्स। मतलब मौर्यंस ने क्या किया, मतलब उन्होंने ट्रांसपोर्ट पे ही बहुत ध्यान दिया। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट रोड के माध्यम से होगा, ठीक है ना, बाई रोड होगा या फिर बाई बाई रिवर, मतलब बाई सी रूट होगा, बाई मतलब रिवर वगैरह के माध्यम से होगा। तो उन्होंने इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दिया। अब क्यों ध्यान दिया, क्योंकि उनको रिसोर्सेज कलेक्ट करने रहते थे, ठीक है, टू कलेक्ट व्हाटएवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट, टैक्स एंड ट्रिब्यूट। अब इनका पूरा बड़ा सा एम्पायर है, वहाँ से इनको टैक्स मिल रहा है, टैक्स कैसे आएगा, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही तो आएगा ना, मेन कैपिटल सिटी में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आएगा। ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट क्या होता है, जैसे टैक्स होता है कि मतलब लोगों को देना नेसेसरी होता है और उसका एक फिक्स टाइम होता है, तो ट्रिब्यूट ऐसा नहीं होता है। ट्रिब्यूट का मतलब है जो भी लोगों के पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्पेशल कोई कॉइन हो गया, स्पेशल कोई मोती हो गई, कोई कोई कुछ स्पेशल कपड़ा हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, आप देना चाहते हैं अपनी इच्छा से या वो अनिच्छा से ही देते होंगे, जैसा भी चीज़ रहा हो। तो बेसिकली एक तरह से जब आपके पास कुछ है तो आप अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से जो है कि कुछ दे रहे हैं अपने एम्पायर को, अपने एम्परर को, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रिब्यूट, ठीक है। तो इन टैक्स और ट्रिब्यूट को कलेक्ट करने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट मीन्स को अच्छा करना पड़ा। जैसे कि अब हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र कैल्स, अब देखो यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गई कि जो भी हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं अशोका के बारे में, बिंदुसार के बारे में, या उनके उनका जो है कि वो कैसे रूल करते थे, उनका क्या प्रोसीजर होता था, ऑफिशियल्स वो मतलब कि ऑफिशियल्स वो जो है कि होते थे, स्पाई होते थे, मैसेंजर्स होते थे, तो ये सब हमें कैसे पता चला, कोई था क्या इतने साल पहले वहाँ ये सब चीज़ें नोट करने वाला। एग्जैक्टली था, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, तो उस पुस्तक से हमें ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं। इसके अलावा जैसा कि आगे पढ़ा कि जो अशोका ने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, उन इंस्क्रिप्शन से हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। आगे हम एक एक बुक और पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडिका, मेगस्थनीज ने वो बुक लिखी, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो हमें पता चलना चाहिए कि हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चल रहा है, तो हिस्ट्री के बारे में हमें वही हमारे जो एंसेस्टर्स हैं जो किताबें लिख गए उन किताबों से ही, उनके जो भी अवशेष जो भी बचे हुए हैं उन किताबों से पता चल रहा है, अशोका के इंस्क्रिप्शन से पता चल रहा है, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर वेरी यूजफुल टू अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री, टू नो अबाउट द पास्ट, ओके। तो चलो कहाँ थे हम, द अर्थशास्त्र टेल्स अस द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। नॉर्थ वेस्ट यानी कि ऊपर वाला, नॉर्थ वेस्ट ये इधर वाला एरिया जो है कि ब्लैंकेट के लिए इम्पॉर्टेंट था, मतलब वहाँ पे अच्छी ब्लैंकेट्स होती थी, ठीक है। तो वहाँ से राजा के लिए क्या आएंगी, एम्परर के लिए क्या आएंगी, वो ब्लैंकेट्स आएंगी, तो किस माध्यम से आएंगी, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट माध्यम से आएंगी, ठीक है ना। अब वहाँ पे अब ऐसा तो नहीं था कि प्लेन चल रहे हैं, रेलगाड़ी चल रही है, ऐसा तो नहीं था ना, तो अब सड़कें ही नहीं सही होंगी, अब हो सकता है बैलगाड़ी चल रही हो या घोड़े वगैरह से चीज़ें आती हों, जैसा भी चीज़ें आती हों, है ना। तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो होता नहीं था, या फिर कोई प्लेन वगैरह चल रहे हों तुरंत एम्परर के पास आ गई चीज़ें, है ना, ऐसा नहीं था। तो अब यहाँ से स्टार चीज़ें नोट करते चलो। सबसे पहले तो ये अर्थशास्त्र किसने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है, अगर नहीं पता तो स्टार कर लो, लर्न कर लो, अर्थशास्त्र इज रिटन बाय कौटिल्य या फिर चाणक्य। नॉर्थ वेस्ट किसके लिए इम्पोर्टेंट था, ब्लैंकेट के लिए इम्पोर्टेंट था। अब एक चीज़ याद रख लो, नॉर्थ की बात याद रख लो,
तो नॉर्थ में हमें पता ही है कि बहुत ठंडी पड़ती है ऊपर नॉर्थ कश्मीर एरिया में, तो वहाँ पे बहुत स्पेशल तरह की वो पाई जाती हैं, शीप भेड़ पाई जाती हैं, उनके जो वो होते हैं ना फर ऊन, उनसे हमें ऊन मिलता है पता है, तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो जितने हाई एल्टीट्यूड्स पे भेड़े रहती हैं उनके जो स्किन के जो बाल होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और उनसे बहुत स्पेशल काइंड ऑफ शॉल वगैरह बनती है, इसे पाश्मीना शॉल जो कि बहुत ही फेमस है कश्मीर में, ठीक है ना। तो अब ठंड एरिया है वहाँ पे भेड़े अच्छी पाई जा रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह अच्छी बनेंगी। तो चीज़ें थोड़ा जियोग्राफिकल चीज़ों से रिलेट करके आप ऐसी चीज़ें करोगे तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा के लिए वो खुद ही आपको समझ आएगा कि हाँ कि भाई नॉर्थ में क्यों ब्लैंकेट अच्छी पाई जा रही है, क्योंकि आपने उसको जियोग्राफिकल रीज़न से थोड़ा रिलेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं साउथ इंडिया। साउथ इंडिया सबको पता है कि हमारे इंडिया में अगर कहीं गोल्ड पाया जाता है तो साउथ इंडिया में पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है, ठीक है ना। तो साउथ इंडिया से हमें क्या मिलता था, गोल्ड मिलता था, कुछ प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, कि मतलब ये जो भी चीज़ें हमें मिली, ब्लैंकेट्स हो गए, प्रीशियस स्टोन्स हो गए और ये गोल्ड हो गए, तो मतलब ये राजा के लिए, एम्परर के लिए एज अ ट्रिब्यूट जो है कि लोग दिया करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा जो फॉरेस्ट वाला रीजन होता था, जैसे कि इन लोगों ने तो अब कुछ कुछ चीज़ें दे दी, तो जो अब ये जो फॉरेस्ट वाला रीजन है वहाँ से हमें क्या मिलेगा, वहाँ से लोगों को फूड प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते थे फॉरेस्ट के, तो वो मतलब कि जैसे कि अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्ट रीजन्स पीपल लिविंग इन दीज एरियाज, जो भी इस एरिया में रहते थे वो इंडिपेंडेंट थे, वहाँ पे मतलब ज़्यादा उनकी किसी की रोक टोक नहीं थी, लेकिन जो है कि चूँकि ये एम्पायर के अंदर ही आ रहा है तो यहाँ के लोग भी टैक्स एंड ट्रिब्यूट दे रहे हैं। अब वो किस फॉर्म में देंगे, वो अपने एनिमल प्रोडक्ट के रूप में देंगे या फिर जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस उनको मिल रहा है तो उस रूप में वो टैक्स दिया करते थे या फिर ट्रिब्यूट दिया करते थे, चलो ठीक है ना। इसके अलावा द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, फाइन। चलो क्या है, मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर हु सेंट टू द कोर्ट ऑफ, अभी मैंने बात की थी ना एक बुक की इंक का, वो किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने। अब मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज एक एम्बेसडर था, एम्बेसडर राजदूत, जैसे आज भी होता है ना कि भारत के एम्बेसडर जो है कि फला देश के लिए नियुक्त किए गए हैं, ईरान के लिए नियुक्त किए गए हैं, USA के लिए नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, बेसिकली उनको एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो उस समय में भी एम्बेसडर हुआ करते थे। तो मेगास्थनीज एम्बेसडर था, किसका एम्बेसडर था, वो एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का, और सेल्यूकस निकेटर जो है कि ग्रीक रूलर था, ग्रीक रूलर था वेस्ट एशिया का, ठीक है। तो उसने जो है कि चंद्रगुप्त के राज्य में भेजा मेगास्थनीज को, क्यों भेजा कि भाई देख कर आओ क्या हालचाल है, कैसे रह रहे हैं, है ना, क्या भैया उनका सिस्टम विस्टम बना रखा है, इतने बड़े एम्परर हैं, तो ये सब देखने के लिए मतलब भेजा। तो मेगास्थनीज ने जो कुछ भी देखा वो सब अपनी एक बुक में लिखा था जिसका नाम है इंडिका, क्या नाम है उस बुक का, इंडिका, ठीक है। तो मेगास्थनीज क्या कहता है वहाँ के बारे में, चलो यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। द ओकेजन्स ऑन, मतलब ये मेगास्थनीज ने डिस्क्राइब किया है जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मेगास्थनीज कहता है कि जब भी जो एम्परर है वो जब भी पब्लिक, मतलब पब्लिक के सामने प्रेजेंट होते हैं तो उसे बहुत ही बड़ा ओकेजन माना जाता है, ठीक है। और जो पब्लिक के सामने अगर प्रेजेंट भी हो रहे हैं वो, तो वो किसमें, उनको किसमें लाया जाता है, उनको गोल्डन पैलनक्विन में लाया जाता है, मतलब सोने की पालकी में लाया जाता है, ठीक है ना। उनके जो गार्ड्स हैं और जो उनके एलिफेंट्स होते हैं वो सोने और चांदी से डेकोरेटेड होते हैं। इसके अलावा कुछ गार्ड एम्परर के आसपास जो चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, गार्ड। तो वो जो गार्ड चल रहे हैं वो आसपास ट्रीज, पेड़ लेकर के चल रहे हैं। जस्ट इमेजिन, सब चीज़ें अपने मन में इमेजिन करो कि एम्परर आया है और एक गोल्डन पालकी में आया हुआ है, उसके चारों तरफ उनके जो है कि सोने चांदी से लदे हुए एलिफेंट्स चल रहे हैं, और साथ में उनके जो कुछ गार्ड्स हैं वो बड़े बड़े पेड़ लेकर के चल रहे हैं, और उन पेड़ पे बर्ड्स हैं, उन पेड़ पर रियल बर्ड्स हैं, और साथ साथ क्या है, पैरेट्स, जो ट्रेंड पैरेट्स होते हैं जिनको बुलवाओ कि मिर्चा तोता नाम लो तो वो तोता वापस से बोलता है, तो वो ट्रेंड पैरेट्स भी हैं साथ साथ। सोचो ये पूरा, मतलब पूरा दृश्य। इसके साथ इतना ही नहीं, अब वो एम्परर हैं, मतलब इतने बड़े एम्परर हैं तो उनको अपनी जान की तो परवाह होगी, क्योंकि कोई भी अटैक कर सकता है उन पे, तो उस वजह से, उस डर की वजह से उनके आसपास ट्रेंड, उनके आसपास आर्म्ड वुमेन हैं, आर्म्ड वुमेन मतलब कि सशस्त्र मतलब कि शस्त्र ली हुई, तलवार वगैरह ये सभी ली हुई वुमेन हैं,
मतलब कि मेन नहीं है। अब यहाँ पे स्टार पॉइंट नोट करने वाला है, क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर वो ऑप्शंस में देगा कि जो एम्परर अगर चल रहा है तो उसके आसपास जो है कि जो एम्परर है वो आर्म्ड वुमेन से जो है कि सराउंडेड है या फिर आर्म्ड मेन से। तो आर्म्ड वुमेन उसकी रक्षा करने के लिए तलवार वगैरह ली हुई उसके चारों तरफ वुमेन चल रही हैं। सब चीज़ माइंड में सोचो, मैंने तो इमेजिन की, बड़ा मज़ा आ रहा है। इसके अलावा हमने क्या देखा, जैसे पढ़ा था कि वो जो है कि अपनी जान की उसको बड़ी परवाह है कि कोई उस पर अटैक ना कर दे, तो इसीलिए जो एम्परर होता था वो 2 दिन से ज़्यादा अपने रूम में, एक ही रूम में नहीं सोता था, मतलब अपनी 2 दिन से ज़्यादा अपनी रात एक ही बेड रूम में नहीं बिताता था। इसके अलावा जो भी फूड वगैरह खाना वगैरह उसको खिलाया जाता था, उसको दिया सर्व किया जाता था, वो पहले कोई और टेस्ट करता था कि इसमें पॉइजन वगैरह तो नहीं मिला है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें थी। इसके अलावा अब ये तो बात हो गई एम्परर के बारे में जो मेगस्थनीज ने अपनी बुक इंटिका में लिखा। इसके अलावा पाटलिपुत्र के बारे में वो क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र जो कि आज के टाइम पे पटना है, ठीक है ना। तो उसके बारे में कहते हैं कि ये बहुत ही लार्ज और ब्यूटीफुल सिटी है और ये जो है कि इसके चारों तरफ बहुत ही बड़ी सी दीवार बनी हुई है। इसमें 570 टावर्स हैं, 64 गेट्स दरवाजे हैं और जो घर हैं वो 2 या 3 मंजिलों के बने हुए हैं और वुड एंड मड ब्रिक से बने हैं, लकड़ी से और मड ब्रिक से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये स्टार पॉइंट है। इसके अलावा जो राजा का पैलेस है वो भी लकड़ी से ही बना हुआ है, लेकिन वो उसमें स्टोन कार्विंग्स है, मतलब पत्थर जड़े हुए हैं सुंदर सुंदर, ठीक है ना। एंड एक सराउंडिंग और जो उनका पैलेस है वो जो है कि बगीचे से सराउंडेड है, बगीचा है चारों तरफ। उसके अलावा इनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, मतलब बर्ड्स को रखने के लिए घेराव वगैरह है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई किसके बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में। तो अब स्टेटमेंट में देगा, पूछ लेगा सीके के एग्जाम में, अगर मैं बात करूँ तो उसमें ऐसे ही देगा कि रीड द सेंटेंसेस रिगार्डिंग पाटलिपुत्र और इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा नहीं है ना। तो हमें एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसे चैप्टर बहुत अच्छा है, अच्छे से मज़े से पढ़ें तो मज़ा आएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है अशोका अ यूनिक रूलर। अब यहाँ पे असली बात हुई, देखो मौर्यन अगर हम, जैसे मैंने बताया मौर्यन डायनेस्टी है, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और केवल ये अशोका ही रूलर थे, और भी रूलर्स थे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें क्लास 6th में हमें मेनली इन तीनों के नाम बताए गए हैं। और स्पेसिफिकली अगर हमें किसी के बारे में इस चैप्टर में हमें स्टडी कर रहे हैं तो वो अशोका के बारे में कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, अब यहीं से राज खुलता है मेन। देखो द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर, मौर्य डायनेस्टी का जो सबसे फेमस रूलर है वो तो अशोक हैं, ये नो डाउट, ठीक है ना। ये पहले ऐसे रूलर हैं जिन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शन बनवाए, इंस्क्रिप्शन खुदवाए, ठीक है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है जाके देखिएगा, मैं फिर बता देती हूँ। इंस्क्रिप्शन होता है हार्ड सर्फेस पे, हार्ड सर्फेस मान लो कोई स्टोन हो गया, मान लो कोई केव हो गई, मान लो कुछ भी हो गया, ठीक है, मेटल हो गया। तो उस पर जब खुदवाया, स्क्रिप्ट खुदवाई जाती है, कुछ लिखवा रहा है, इंस्क्रिप्शन, इसी में एक वर्ड छुपा हुआ है स्क्रिप्ट, जब इसी में खोद करके कुछ लिखवाते हैं उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, समझ आई। तो इनके जो इंस्क्रिप्शंस थे वो मेनली प्राकृत लैंग्वेज में थे और जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे। दो चीज़ होती है, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, मतलब हम ये जो लिखा हुआ है ये लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज में लिखा, सॉरी ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन मैं पूछूं किस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो आप क्या कहेंगे। तो इंग्लिश किस, इंग्लिश जो है कि किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रा बताएं मुझे। तो जो अशोका की बात करें तो उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। क्यों प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में हज़ार बार बता चुकी हूँ कि मतलब जो लोकली लैंग्वेज जो यूज़ होती है उसको प्राकृत लैंग्वेज बोलते हैं, जो लोकली लैंग्वेज यूज़ होती है उसको प्राकृत लैंग्वेज बोलते हैं। तो प्राकृत में इसीलिए लिखवाया ताकि लोग जो है कि पढ़ सकें। और उसकी स्क्रिप्ट क्या थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। स्टार पॉइंट कर लेना ज़रा इन चीज़ों को। इसके अलावा अशोका वॉर एंड कलिंग, देखो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू हो रही है। कलिंग, कलिंग एक जगह है जो कि ओडिशा में, कोस्टल ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा के कोस्टल एरिया में। तो वो क्या है, कलिंग बहुत ही फ्लोरिश एरिया था, मतलब कि वहाँ पे जो मतलब कि सिविल कोड फॉलो होता था, मतलब मैं कलिंग की वो बता रही हूँ उनकी क्या क्या वहाँ की विशेषता थी। सिविल कोड फॉलो होता था, सिविल कोड मतलब कि पूरे कलिंग में एक ही रूल फॉलो हो रहा है, किसी के लिए अलग रूल नहीं है, किसी के लिए वो नहीं। वहाँ के लोग बड़े ही कल्चर्ड थे। इसके अलावा वहाँ उनकी जो सी फोर्स थी ना, उनकी जो सी फोर्स थी, जस्ट अ मिनट, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। क्या था, उनकी जो सी फोर्स थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी। वो लोग बहुत ही कल्चर्ड थे। अब चूंकि वो कोस्टल एरिया में थे
तो वो ओडिशा किस एरिया में पड़ रहा है, हमारा किस एरिया में पड़ रहा है, ईस्ट में और साउथ, ईस्ट एंड साउथ। तो वहाँ से उनके कोस्टल एरियाज से जो है कि बहुत ज़्यादा वो भी होता था, ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत होता था। तो वहाँ के जो पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा वहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्किल्ड थे, बहुत अच्छे थे। तो कह सकते हैं कि जो कलिंग था एक अच्छा, खुशहाल, फ्लरिश, एजुकेटेड और काफ़ी अच्छा एरिया था। अब क्या हुआ था कि जो हमारे जो अशोक हैं उनके ग्रैंडफादर कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी ट्राई किया था कि कलिंग को जीते, बिकॉज उनकी इतनी सारी विशेषताओं की वजह से, भाई इनकी सी फोर्स इतनी अच्छी है, उनके जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे पोर्ट्स वगैरह बड़े ही, अगर देखा जाए पॉलिटिकल मैटर से देखा जाए, इकोनॉमिकल मैटर से देखा जाए, तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बड़े फ़ायदेमंद है। वहाँ के लोग कल्चर हैं फ्लरिश हैं, वहाँ का कल्चर फ्लरिश है, पीपल इंटेलेक्चुअल हैं। तो इस हिसाब से अगर वो हमारे एम्पायर में मिल जाए, कलिंग हमारे एम्पायर में मिल जाए, तो हमारे एम्पायर तो हमारा और स्ट्रांग होगा, हमारी अच्छी आर्मी होगी, उनकी सी फोर्स इतनी अच्छी है, ये सारी चीज़ों की वजह से। लेकिन वो बेसिकली उसको जीत नहीं पाए थे। तो अशोका ने कहा कि अब मैं कलिंग पे जो है कि अटैक करूंगा। तो कलिंग इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा एंड अशोका फॉट अ वॉर टू कंक्वर कलिंग। तो अब अशोका ने लड़ाई लड़ी, कलिंग को जीतने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब एक्चुअली क्या हुआ था कि कलिंग में जब अशोका की जो मतलब कि वो थी सेना वगैरह थी, वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, नंबर ऑफ हॉर्स और नंबर ऑफ आर्मी पर्सन वो बहुत ही ज़्यादा थे बेसिकली कंपेयर टू कलिंग। लेकिन क्या हुआ, जो कलिंग के जो रूलर थे उस समय, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि मतलब कलिंग का हर एक व्यक्ति जो है कि उस लड़ाई में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि उनकी आर्मी कम थी एक्चुअली। तो जब मतलब सोचो कॉमन पीपल लड़ रहे हैं किससे, अशोका के, ग्रेट अशोका के जो है कि वेल ट्रेंड आर्मी पर्सन से लड़ रहे हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो कॉमन मैन अपनी जान ही गंवाएंगे। तो कलिंग के जो भी आर्मी में जो भी लोग थे उन्होंने अपनी जान गंवाई, एज वेल एज उनके कॉमन पर्सन ने भी अपनी जान गंवाई। यानी कि इतने बड़े लेवल पर जो है कि लोगों की क्षति हुई, ह्यूमन ह्यूमैनिटी जो है कि एकदम शर्मसार हुई, लोगों का इतना खून बहा हर जगह, बस क्या ही दिखा, अशोक को हर जगह नॉन वायलेंस दिखा, इतना अतिक्रमण हुआ, अशोका की पूरी मतलब कि आर्मी ने कलिंग को पूरा बर्बाद कर दिया, वहाँ के कॉमन पीपल भी नहीं बचे, बिकॉज कॉमन पीपल ने भी उस फाइट में, उस युद्ध में पार्टिसिपेट किया। तो अशोका को तो हाउ एवर ही वॉज सो हॉरीफाइड, अशोका ये सब चीज़ें देख के बहुत डर गया, व्हेन ही सॉ द वायलेंस। अभी मैंने क्या बोला, नॉन वायलेंस बोल दिया था शायद गलती से ना, कि इतना नॉन वायलेंस और इतना खून, शायद ऐसा कुछ बोल दिया, सॉरी इतना वायलेंस है ना, अगर ऐसा कुछ बोला देन रियली सॉरी, अभी मुझे याद आ रहा है। तो अशोका इतनी सारी चीज़ें देख के डर गया, इतना वॉयलेंस देख करके डर गया, इतना ब्लड शेड हर जगह देखो, हर जगह वहीं सारी ब्लड एंड टीयर्स, हर जगह उसे ब्लड एंड टीयर्स ही दिखे। तो ही इज़ द, तो इन सब चीज़ों को उसने कहा कि मतलब कि मेरे एक डिसीजन की वजह से, मेरे एक आक्रमण की वजह से पूरा कलिंग बर्बाद हो गया, मतलब कि कुछ बचा ही नहीं, कोई कोई बचा ही नहीं कि जिसको मैं दास बनाऊँ, या कोई बचा ही नहीं जिसको मतलब इस चीज़ पे रोने के लिए कोई नहीं बचा, हर कोई इस युद्ध में तबाह हो गया, इतनी ज़्यादा क्षति हुई, इतना ज़्यादा कह सकते हैं इतने बड़े लेवल पे नरसंहार हुआ, परफेक्ट वर्ड फॉर दिस नरसंहार। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, मतलब पूरी हिस्ट्री में वो एक ऐसा ही मतलब कि किंग रहा है जिसने कि जीत के बाद, कोई लड़ाई के बाद अपनी जो जीत है वो छोड़ दी, अपना जो भी उसने जीता, जो भी उसने कॉन्क्वेस्ट किया वो छोड़ दिया। इसके बाद उसने डिसीजन लिया था कि अब कभी लाइफ में लड़ाई नहीं करेगा, मतलब देखो वो इतना ज़्यादा इस चीज़ से उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइड हो गया ये सीन। कोई भी देखेगा, कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा, अगर उसके अंदर ज़रा भी ह्यूमैनिटी है, देखो सडनली ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है कि सडनली एक अशोका का मतलब कि टर्न ओवर हो गया लाइफ का या फिर चेंज हो गया, नहीं, कहीं ना कहीं उसके अंदर ह्यूमैनिटी का सीड था, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी, स्पिरिचुअलिटी थी, कहीं ना कहीं उसको उसके मन में पहले से ही रहा होगा कि हाँ ट्रुथ के बारे में, गॉड के बारे में, पीस के बारे में, नॉन वायलेंस के बारे में। तभी वो एक दिन क्या हुआ कि भाई एक दिन मतलब उसने ऐसा कुछ देखा, यानी कि उसके अंदर के बीज को, उसके अंदर के सीड को वो फ्लोरिश हो गया, क्योंकि उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया। फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या मतलब, वो युद्ध हो गया, वो युद्ध उस सीड के लिए उसका जो है कि फेवरेबल एनवायरनमेंट जैसा काम किया, फिर वो टर्न हो गया पेड़ में, मतलब वो चेंज हो गया, वो बाहर निकल के आई उसकी पर्सनैलिटी कि भाई ये नहीं चाहिए लाइफ में, ये नहीं सही है लाइफ में, लाइफ में कुछ और सही है, लोगों को हमें
हमें लोगों को जो है कि युद्ध से नहीं जीतना है, हमें लोगों को किससे जीतना है, धम्म से जीतना है। किससे जीतना है? धम्म। धम्म मतलब क्या? धर्म। धर्म एक संस्कृत वर्ड है, उसको प्राकृत लैंग्वेज में बोलेंगे धम्म, मतलब कि लोगों को जीतो, युद्ध से नहीं जीतो, धम्म से जीतो, धर्म से जीतो। ठीक है, तो अशोकाज हम पढ़ेंगे। अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर। अशोका ने जो इंस्क्रिप्शन बनवाए उस पर कलिंग वॉर का डिस्क्रिप्शन मिलता है। अशोका ने क्या कहा? दिस इज वर्क वर्क अशोका डिक्लेयर इन हिज इंस्क्रिप्शन 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंक्वर्ड कलिंग। मतलब कि 8 साल बाद, जब से मैं राजा बना उसके 8 साल बाद मैंने जो है कि कलिंग जीता। 1 लाख मतलब लगभग 1.5 लाख लोग पकड़े गए और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। दिस फिल्ड मी विथ सोरो। ये इन सब चीज़ों ने मुझे एकदम दुख से भर दिया। हर जगह ब्लड एंड टीयर्स, हर जगह ब्लड एंड टीयर्स ही उसको दिख रहे थे। वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्क्वर्ड, जब कभी भी कोई इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भूमि पर कोई आक्रमण करता है, उसे जीता जाता है, तो लाखों लोग मरते हैं, बहुत से लोग बंदी बना लिए जाते हैं, ब्राह्मण्स मरते हैं, मंक्स मरते हैं, इतने लोगों की हत्याएं होती हैं। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लूज देयर लव्ड वंस। मतलब कोई बचता नहीं है, हर तरह से जो है कि मानव की, ह्यूमैनिटी की क्षति होती है। दैट इज़ वाई आई एम सैड, इसीलिए मैं डिसाइड मतलब इसीलिए मैं दुखी हूँ। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्म, इसीलिए मैंने धम्म को अपनाने का डिसीजन लिया है, धर्म को अपनाने का डिसीजन लिया है। एंड टू टीच अदर्स अबाउट दिस एज वेल, और दूसरों को भी इस मतलब कि साथ साथ दूसरों को भी मैं इसके बारे में सिखाऊंगा। देखो अभी हमने बताया ये सारी चीज़ें किस में चल रही हैं, सब चीज़ें एक दूसरे के कंटेम्परेरी हैं। इसी अभी इसके जस्ट पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म फ्लोरिश हो रहे हैं, तो ये उसी टाइम की तो बात है कि बुद्धिज्म फ्लोरिश हो रहा है। तो अब बुद्धिज्म फ्लोरिश हो रहा है तो अशोका पे भी तो बुद्धिज्म बुद्धिज्म का असर पड़ा होगा ना। तो ये जो धम्म की बात करते हैं, तो जो अशोक ने जो धम्म में बताया, जो भी उन्होंने चीज़ें बताई, तो उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका है? बुद्ध रिलीजन का इफेक्ट है। किसका है? बुद्ध रिलीजन का इफेक्ट है। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्म इज मच बेटर दैन कंक्वरिंग देम थ्रू फोर्स। मतलब कि लोगों को धर्म से जीतो, ना कि युद्ध से, ना कि फोर्स से। ठीक है ना, ये बात उन्होंने बताई। फिर कहते हैं आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज, मैं ये मैसेज इंस्क्राइब करवा रहा हूँ बिकॉज फ्यूचर में मेरे सन, मेरे ग्रैंड सन इन चीज़ों को देखें, पढ़ें और वॉर के बारे में ना सोचें। ठीक है ना, इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्म। इसके अलावा मतलब कि वॉर के बारे में सोचने के बजाय वो ये सोचें कि कैसे धम्म को फैलाया जाए, कैसे धर्म को फैलाया जाए। ठीक है ना, ये रही बात। अब इसके अलावा इधर देखते हैं, व्हाट वाज अशोकाज धम्म, बेसिकली अशोका का धम्म क्या था। तो चलो, अशोकाज धम्म डिग नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड। मतलब कोई भी धर्म होता है तो बेसिकली धर्म को जोड़ दिया जाता है इस चीज़ से, किसी स्पेशल भगवान की पूजा करनी है, ऐसा कुछ सेक्रीफाइस परफॉर्म करना है। तो अशोका का धर्म इन सब चीज़ों से बिल्कुल रिलेटेड नहीं था कि किसी स्पेशल भगवान की पूजा करना ही धर्म है या फिर कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म करना। उन्होंने कहा ही फेल्ट दैट कि वो एक फादर हैं, वो एक जस्ट अ फादर की तरह अपनी प्रजा को जो है कि अपनी प्रजा को बच्चों की तरह एक एक चीज़ बता रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, धम्म को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और जो है कि उनकी जो टीचिंग्स थी, किसकी टीचिंग्स थी? जो अशोका की टीचिंग्स थी, जो उन्होंने धम्म में बताया, वो स्पेशली बुद्धा की टीचिंग से इन्फ्लुएंस्ड थी। ठीक है, इंस्पायर्ड थी। ओके, इसके अलावा आगे देखते हैं, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट। देखो अब उनका एम्पायर बहुत बड़ा था, हम सबको पता है उनका एम्पायर बहुत बड़ा था, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो कर रहे थे, अलग अलग तरह के सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर रहे थे, एनिमल सेक्रीफाइसेस होते थे, तो ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करी। और स्लेव्स होते थे, जो सर्वेंट्स होते थे उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था। इसके अलावा फैमिलीज़ में जो है कि लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती थी। तो अशोका ने कहा, जस्ट अ मिनट, हाँ पढ़ाने लगो तो ये सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तो अशोका ने कहा,
अशोका ने कहा कि ये जो मतलब कि अशोका की क्या ड्यूटी है, अशोका का ये धर्म है कि इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। क्या प्रॉब्लम को? कि लोग एनिमल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। कि मतलब कि जैसा कि अभी हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हर एक लिविंग बींग, कोई भी है, छोटे से छोटे चींटी, बड़े से बड़ा एलिफेंट या फिर हम जैसे ह्यूमन बींग, सब कोई अपनी जीवन की रक्षा करने चाहते हैं, तो एनिमल सेक्रीफाइस कितनी गलत बात हुई। इसके अलावा लोग आपस में घर में लड़ रहे हैं, नेबर से लड़ रहे हैं, स्लेव्स हो गए, उनके जो दास दासी उनके साथ इल ट्रीट किया जा रहा है, एनिमल्स के साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि अशोका ने कहा कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो अशोका की ड्यूटी है, वो उनका कर्तव्य है कि वो इनको जो है कि ख़त्म करें, इनको सॉल्व करें। सो उन्होंने इसीलिए कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट किए, जैसे ऑफिशियल्स टैक्स कलेक्ट के लिए अपॉइंट किए गए थे इन अ सेम वे। लेकिन इनको क्या बोला गया? धम्म महामता, स्टार पॉइंट करिए, क्या बोला गया? धम्म महामता बोला गया, ठीक है ना। ये देखो, इसके अलावा हु वेंट जो है कि वो प्लेस टू प्लेस मतलब कि लोगों तक पहुंच रहे हैं और धम्म की टीचिंग्स के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इसके अलावा अशोका ने अपने मैसेजेस जैसा कि अभी स्टार्टिंग में बताया इंस्क्राइब करवाया रॉक्स पे, पिलर्स पे, ठीक है ना। और अपने ऑफिशियल्स को कहा कि जो लोग इन मैसेज को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो इलिटरेट हैं, आप उनको पढ़ करके बताएं, आप उनको खुद इंस्ट्रक्ट करें। इसके अलावा अशोका ने अपने मैसेंजर्स भी भेजे, मैसेंजर्स भेजे कि धम्म के बारे में लोगों को बताएं, ठीक है ना। कहाँ कहाँ भेजे? सीरिया भेजे, देखो ना, सीरिया भेजे, इजिप्ट भेजे, ग्रीक भेजे, श्रीलंका भेजे। उन्होंने अपनी बेटी को भी भेजा, अपने बेटे को भी भेजा आप धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है ना। सोचो, इसीलिए जो है कि ये जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध रिलीजन है, वो इतना मतलब कि आउट ऑफ इंडिया भी इतना फ्लरिश किया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने रोड बनवाई और कुएं खुदवाए, उसके अलावा रेस्ट हाउसेस बनवाए, इसके अलावा उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट उन्होंने अरेंज किया, मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों के लिए भी एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी। तो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने की, किन्होंने की? अशोका ने की। अब देखते हैं अशोका का मैसेजेस क्या था। देखो, पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स, लोग बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, शादी ब्याह पे, या कोई कभी बीमार पड़ता है, या कभी किसी का जन्म होता है, तो ये सारी चीज़ें लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा ये यूज़फुल नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? इसके इन रिचुअल्स को, इन स्टुपिडिटी को फॉलो करने के अलावा के बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमें वो करना चाहिए जो वाकई में फ्रूटफुल हो। जैसे कि हमें बींग जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, हमारे घरों में, हमारे आसपास जो भी सर्वेंट्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हैं, आपके घर में कोई अगर आपके घर में कोई सर्वेंट है, तो आप उसके साथ जेंटल रहें, अच्छे से पेश आएँ कि वो भी आपकी तरह एक ह्यूमन बींग है, ठीक है। तो ये जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर रहे हो ना, इसके अलावा, इसके बजाय ये सारी चीज़ें करो जो रियल में ह्यूमैनिटी को फ्लरिश कर रहे हैं, रियल में ह्यूमैनिटी को कुछ अच्छा दे रही हैं। इसके अलावा रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, अपने से बड़ों का, बड़ों को रिस्पेक्ट करो। उसके अलावा ट्रीटिंग ऑल क्रीचर्स विथ कंपैशन, सभी सभी जीवों पर दया करो, सभी जीवों के साथ दया भाव दिखाओ। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मंक्स, ब्राह्मण्स एंड मंक्स को गिफ्ट दो। क्यों दो? क्योंकि ब्राह्मण्स एंड मंक्स जो होते हैं वो कोई अपनी ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है कि फॉलो नहीं करते जिससे उनको पैसा मिले, जिससे वो अपनी 2 वक्त की भोजन का इंतजाम कर सकें। इसी वजह से ब्राह्मण्स एंड मंक्स को गिफ्ट दो, क्योंकि वो केवल ईश्वर की आराधना में लगे रहते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको इन चीज़ों से, इन टेंशन से मुक्त रखें कि हाँ, उनके लिए मेडिसिन का इंतज़ाम कैसे होगा, इनके लिए रोटी का इंतज़ाम कैसे होगा, ठीक है। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स, मतलब ये बहुत गलत बात है अपने धर्म की तारीफ करना, अपने धर्म को बड़ा फ्लरिश करना और दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज करना कि तुम्हारा तो धर्म ऐसे कहता है, तुम्हारा तो धर्म ऐसे करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की उन्होंने क्या की, इन सब चीज़ों को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, मतलब हर किसी को एक दूसरे का रिलीजन को आप भले फॉलो मत करो, एटलीस्ट रिस्पेक्ट करो, ओके। और मैं एक बात बता दूं, जो अपना रिलीजन बहुत अच्छे से फॉलो करता है वो कभी किसी दूसरे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता। जिसको खुद के रिलीजन के बारे में नहीं पता, वही जाकर के दूसरे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करता है, क्योंकि ना उसने अपनी किताबें पढ़ी, ना उसने दूसरे रिलीजन की किताबें पढ़ी, उसने तो सिर्फ क्रिटिसाइज करना सीखा है। If one praises one's own religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion. उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा अपने धर्म की तारीफ कर रहा है, दूसरे धर्म को बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है, तो बेसिकली वो अपने धर्म को ही जो है कि हार्म कर रहा है, अपने धर्म को ही डिग्रेड कर रहा है। देयर फोर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर्स रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट, मतलब कि
उसे क्या करना चाहिए, अदर रिलीजन के मेन आइडियाज़ को, मतलब उसका अदर रिलीजन क्या कहता है उसको बेसिकली समझो, जानो और उसको रिस्पेक्ट करो रादर देन क्रिटिसाइजिंग इट. ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही रोट हिज एथिक्स, मतलब कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं किसके, अशोका के, स्किल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्किल लर्न मच फ्रॉम देम. आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अशोकास मैसेजेस दैट यू थिंक आर रेलिवेंट टूडे, मतलब बेसिकली ये बता रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा उनके इंस्ट्रक्शंस के बारे में, कि मतलब आज भी हम उस बात को समझ सकते हैं और हम उससे रिलेट कर सकते हैं, बहुत बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं. ठीक है ना, अब ये कुछ स्क्रिप्ट है जो कि आप देख सकते हैं कि हाँ ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट, हिंदी स्क्रिप्ट जो भी है, हिंदी लैंग्वेज है ना क्या स्क्रिप्ट, हिंदी लैंग्वेज लिखी जाती है किस स्क्रिप्ट में, देवनागरी. अब यहाँ पे लास्ट में हम चाइना वॉल के बारे में पढ़ेंगे, पता है ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि स्पेस से भी दिखती है, मतलब सोचो स्पेस से दिखती है कितनी बड़ी होगी. इसके बारे में क्या है, सम वॉक बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन टाइम के मतलब टाइम के आसपास की बात है, अबाउट 2400 ईयर्स अगो, 2400 साल पहले, आज से 2400 साल पहले, एम्परर्स इन चाइना बिगेन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले ये चाइना वॉल बनना शुरू हुई थी. ठीक है ना, ये क्यों बनाया गया था, तो इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नदर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पैस्टोरल पीपल, मतलब चाइना का जो नदर्न फ्रंटियर है उस नदर्न फ्रंटियर से बहुत ही ज़्यादा इन्वेजन्स होते थे, आक्रमण होते थे, तो उसको सेव करने के लिए किससे, पैस्टोरल पीपल से. ठीक है, तो पैस्टोरल पीपल से सेव करने के लिए ये चाइना वॉल का बनना शुरू हुआ था. ठीक है, एडिशंस टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग, मतलब कि ये जो फ्रंटियर्स, मान लो कि वॉल बनाना यहाँ शुरू हुआ, मतलब हाउ कैन आई डिफाइन है, कि अब इतना समझो कि जो ये फ्रंटियर्स हैं वो शिफ्ट होते रहते थे. फ्रंटियर्स मतलब क्या, ये जो पहाड़ हो गए, ये जो ये सब ये पठार हो गए, यही सब होते हैं नेचुरल फ्रंटियर्स. ठीक है ना, तो इस वॉल में एडिशंस कब तक होते रहे, एडिशंस टू द वॉल ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स, मतलब 2000 साल तक ये वॉल बनती रही, उसमें एडिशन होता रहा. शुरू कब हुई थी, लगभग 2400 साल पहले, 2500 साल पहले शुरू हुई और 2000 साल तक इसमें एडिशंस होते रहे, क्योंकि ये जो नेचुरल फ्रंटियर्स हैं वो शिफ्ट होते रहे. ठीक है ना, तो दिस वॉल इज़ अबाउट, अब ये वॉल कितनी बड़ी है, 6400 किलोमीटर लॉन्ग है और इसमें मतलब कि स्टोन और ब्रिक से बनी हुई है विथ अ रोग अलोंग द टॉप, मतलब ये देखो ये वॉल है, ये वॉल दिख रही है, अब इसमें ये रोग भी है इधर, मतलब इस पर लोग चलते हैं और बीच बीच में ये दिख रहे हैं, ये क्या है, ये बीच बीच में इन्हें बोलते हैं वो टावर्स बोलते हैं, ये वॉच टावर है, यहाँ पे लोग होते हैं और जो कि वॉच करते हैं देखने के लिए, वॉच टावर्स हैं. ठीक है ना, तो बेसिकली ऐसा नहीं कि सिंपल सी दीवार है, मतलब दीवार तो है लेकिन बेसिकली रोग भी बनी हुई है, लोग उस पर चलते हैं और बीच बीच में टावर्स हैं, ये सारी चीज़ें बात याद रखनी है. देर आर वॉच टावर्स ऑल अलॉन्ग डिस्टेंस ऑफ 100 से 200 मीटर की दूरी पर वॉच टावर्स बने हुए हैं. ठीक है ना, तो ये बात रही, तो 2500 साल पहले लगभग ये चाइना वॉल बननी शुरू हुई थी. तो दिस वॉज आर चैप्टर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और बीच बीच में मैं सोचती हूँ कि बोल दूँ प्रमोशंस के लिए लेकिन मैं भूल जाती हूँ. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड शेयर करिए क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स के साथ, सी के प्रिपरेशन वालों के साथ, आप जिसके साथ भी करना चाहते हैं बट शेयर करें. ओके.